चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो डेरिवेटिव देख लीजिए, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है, सब लीनियर फंक्शन है। क्वाड्रेटिक कहाँ आता है? डी बाई डी एक्स आप टेन एक्स देख लीजिए, वहाँ सेक स्क्वायर आता है, या कॉट एक्स देख लीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर आता है। तो यही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टेन एक्स और कॉट एक्स, जिनका डेरिवेटिव क्या आता है? स्क्वायर में आता है, बाकी सब लीनियर होते हैं। इसका मतलब कि एंटी डेरिवेटिव सिर्फ दो ही फंक्शन का स्क्वायर का आपका लीनियर होगा, मतलब कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और आपका क्या हो गया सेक स्क्वायर, इनका एंटी डेरिवेटिव हमारा टेन होगा, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं होगा जिसका एंटी डेरिवेटिव आपको पता हो, उनको रीमॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है? साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर की डिग्री पहले रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इवन फंक्शन है, ऑड होता तो थोड़ा और हम लोग जुगाड़ लगाते। खैर, इवन में डिग्री रिड्यूस करने के सिवा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, दैट कुड बी रिटेन एज ए साइन स्क्वायर थीटा को, हम जैसा डिस्प्ले आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव दैट कुड बी रिटेन एज ए वन माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, है ना, ट्वाइस का मतलब फोर एक्स प्लस क्या हो जाएगा टेन होल अपॉन टू, ठीक है। ये तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ लगी, अभी इंटीग्रेशन तो हमारा हुआ ही नहीं है, कैलकुलस में हम लोग इंटर नहीं किए हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री से हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, या यूं कहें कि हम इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे दैट इंटीग्रल कुड बी रिटेन एज ए वन माइनस कॉस ऑफ फोर एक्स प्लस टेन होल अपॉन टू हो गया डी एक्स। अब चूंकि इसको क्या किया जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में, ये टू इसके नीचे, ठीक है, दो टर्म आपके पास हैं, दोनों का अलग अलग डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो यहाँ से हटा के हम टू इसके नीचे कर दे रहे हैं और फिर एक ब्रैकेट प्लेस कर दे रहे हैं और ये इसके नीचे तो हाई है ना। इंटीग्रल लीनियर ऑपरेटर होता है, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, तो इट कुड बी रिटेन एज ए वन बाई टू टाइम्स, वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो वन बाई टू डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ फोर एक्स प्लस टेन अपॉन टू डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लोगे, तो ये वन बाई टू आ जाएगा आपका बाहर और यहाँ बच जाएगा वन, यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बड़ा आसान है, वन किसका, वन का एंटी डेरिवेटिव एक्स होगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन होता है, तो ये हो गया आपका एक्स माइनस वन बाई टू। अब कॉस का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, तो कॉस का हो गया साइन और एंगल वही रखेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब भी एक्स के सिवा कुछ भी आता है, लीनियर एक्सप्रेशन आती है, तो जो एक्स का कोफिशियंट होता है वो वन अपान में चला जाता है, तो यहाँ वन बाई फोर भी होगा, ठीक है, और प्लस एक इनडेफिनिट कांस्टेंट सी होगा, और ये टू इंटू फोर कितना हो जाएगा एट हो जाएगा, तो यहाँ हटा के हम क्या लिख दे रहे हैं वन बाई एट, तो दैट इज योर आंसर।